नमस्कार, स्वागत आप सभी का मंडियों का हाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश आठी और मंडियों का हाल में चर्चा करेंगे यहां पर लहसुन के बारे में। जानेंगे कि लहसुन का बाजार की स्थिति क्या है, आगे कैसा रह सकता है और अभी वर्तमान में कैसा चल रहा है। और लहसुन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लहसुन बाजार के जाने माने जितेंद्र खुराना जी। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि लहसुन के बाजार में क्या कुछ अभी सुधार हुआ है। जब आखिरी बार आपसे बात हुई थी तब आपने बताया था कि लहसुन का बाजार अभी हाल फिलहाल में मंदा है और कुछ लहसुन डैमेज की खबरें आ रही हैं, तो तब से लेकर अब तक बाजार में क्या बदलाव आया? देखिए जी, तब से डैमेज माल बहुत निकला है मार्केट में, तो अब थोड़ा अच्छा माल भी आना चालू हो गया और पिछले एक हफ्ते से 5 से 7 रुपए भाव में बढ़े भी है और ये आगे जहां तक हमारे को लगता है थोड़ा बारिशों के बाद थोड़ी स्थिति और सुधरेगी। जो घबराहट थी किसानों में जी, जो होपलेस हो रखे थे, अब उनमें थोड़ी उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि कुछ बारिशों के बाद सुधार आए जी। तो अपने को भी यही लगता है कि थोड़ा बारिशों के बाद थोड़ा सुधार आना चाहिए। कुछ सरकार के भी अपनी तरफ से कोशिशें हो रही है कि कैसे भी किसानों को बचाया जाए जी। खुराना जी, अभी लहसुन की कीमतें क्या चल रही हैं अभी क्वालिटी वाइज अगर बात की जाए तो? देखिए, यहाँ पे दिल्ली में 30 रुपए से लेके 40 रुपए किलो तक तो बिक रहा है ग्रेडिंग फूल, और 20 रुपए से 25 रुपए तक बिक रहे हैं लाडवे जी, और 10-12 रुपए की बिक रही है गोली। तो जो चीज पीछे 5 रुपए से 25 हो गई थी प्रोडक्शन मंडियों में जी, उसमें कुछ 5-5 रुपए का थोड़ा सुधार आया है जी। जो किसान घबरा रहा था, आज किसान को थोड़ी सी उम्मीद जगी है 2-4-5 रुपए बढ़ने से। और यही चीज मैंने पीछे बोली थी कि एकदम से इतना घबराए नहीं, सिर्फ हल्का माल निकालिए, अच्छा माल थोड़ा सा रोक के चलिए, या आधा माल निकाल दीजिए जो लागत है, उतने तक का माल निकाल लो, अपनी लागत निकाल लो और बाकी रोक के चलो थोड़ा जी। क्योंकि फेंकना ही है तो थोड़ा रोक के फेंकेंगे जी, भगवान ने कहा फेंकने की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से माल डैमेज हो रहे हैं और अभी कम से कम 15-20 दिन बारिशों से पहले पहले और डैमेज होंगे, तो उस हिसाब से लगता है कि कुछ माहौल बन जाएगा जी। जितेंद्र जी, आवकों की बात की जाए तो आवकें कैसी देखने को मिल रही हैं अभी मंडियों के अंदर? क्या आवकों में अभी इजाफा है या फिर आवकें नॉर्मली देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर हम आज से हफ्ते पहले की बात करेंगे तो खूब आवकें हो रही थी, अब हफ्ते के अंदर थोड़ा सा आवकों में रुकावट आई है। किसान हल्का सा देख रहे हैं कि जब फेंकना ही है माल को, 3-4-5 रुपए 10 रुपए में काटना ही है तो क्यों ना रुक जाए। इसका एक वजह ये भी है, अगर आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि हमारे जो मंत्री हैं ओम बिरला जी जी, उन्होंने कहा था कि हम लहसुन से खरीदारी करेंगे, लहसुन की खरीदारी करेंगे बिल्कुल, उससे थोड़ा किसानों में उम्मीद जगी है जी कि हो सकता है सरकार भी थोड़ा ध्यान दे दे और लहसुन की खरीदारी करे। इस वजह से भी आंखें थोड़ी दुखी है इस उम्मीद से कि हो सकता है सरकार थोड़ा लहसुन के किसानों पे ध्यान दे जी। आपकी कोशिशें भी रंग लाई, मैंने आपके ट्वीट भी पढ़ा था जो आप लोगों ने मार्केट टाइम चैनल ने ट्वीट किया था कि सरकार को ध्यान देना चाहिए जी। तो देखो जी, हम सबकी आपकी हमारी किसान भी भेज रहे हैं, किसानों ने भी भेजा है पीएमओ को, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की मेहनत रंग लाएगी जी। हो सकता है सरकार ध्यान दे और इसमें खरीदारी दे, मैदान में आ जाए, तो उससे कुछ भला तो होगा ही जी। जी जितेंद्र जी, जैसे आपने अभी भली भांति बताया कि राजस्थान में लहसुन किसानों से सरकार लहसुन की खरीदी करेगी, तो अगर हर राज्य में सरकार ऐसा ही करे और किसानों के हित में फैसला ले जिससे कि किसानों को मजबूती मिले और किसानों का माल भी ना सड़े और सही भाव पर भी बिक जाए, अगर ऐसा होता रहेगा तो किसानों में एक तरह से देखा जाए तो मनोबल भी बना रहता है, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आज से महीने पहले देखो तो सबका मनोबल टूटा हुआ था, पहले वो किसान हो व्यापारी हो, मतलब कितने आपको, आपने भी वीडियो दिखाया था कि किसान कह रहा है कि मेरी फसल में कमी क्या है, जो मेरी फसल इतनी मट्टी बेच रहे हो। फिर एक वीडियो आया था जिसमें
किसान तान पकड़ के उठक बैठक लगा रहे हैं कि हम जिंदगी में लहसुन नहीं बोएंगे। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ। तो ऐसे ये सब हताशा के लक्षण थे, ये सब मनोबल टूटे हुए के लक्षण थे कि सब परेशान थे और लोग अपने आप को बदवाए दे रहे किसान कि हम लहसुन को आगे से नहीं बोएंगे। लेकिन अगर सरकार इस पे ध्यान देती है और सरकार इसको खरीदारी कहती है तो इससे स्वाभाविक है किसान का मनोबल भी बढ़ेगा, भाव भी बढ़ेगा और कुछ उसको जान बचेगी उसकी। जी जी, अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहेंगे कि जितेंद्र खुराना जी ने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि लहसुन बेचने के साथ साथ इसके जो डाइवर्जन भी है, मार्केट को डाइवर्ट भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ फिजिकल में ही लहसुन में बेचें, इसका तेल भी निकलता है और जिसकी काफ़ी डिमांड भी रहती है और अच्छी कीमतों पर भी बिकता है। तो खुराना जी ने अपने पिछले इंटरव्यू में इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था और ये भी कहा था कि राज्य में हर राज्य की सरकार को कुछ मशीनें लगानी चाहिए जिससे कि इसको एक डाइवर्जन मिल सके। तो मार्केट टाइम्स टीवी ने अपने लेवल पर जितेंद्र खुराना जी की इस एडवाइस को माना और अपने लेवल पर भी इसको आगे फॉरवर्ड किया है और अब देखते हैं आगे कि इस पर सरकार क्या विचार करती है, किसानों के हित में क्या फैसला होता है। जितेंद्र जी, मार्केट टाइम्स ने आपकी इस एडवाइस को आगे भी फॉरवर्ड किया है तो अब देखना तो ये होगा कि सरकार का क्या जवाब आता है, आगे फिर उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। साहब, मैं इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने किसानों की कुछ आवाज, उनके भले के लिए आवाज उठा के आगे सरकार को फॉरवर्ड की है। तो इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि कोई तो है, कोई चैनल है जो कम से कम किसानों का भला सोचता है। और आपको ये भी बताऊं, मैं भी बहुत किसानों से जुड़ा हूँ, तकरीबन रोज 500-700 कॉल आता है मेरे को किसानों का डेली। तो हर कोई, हम पूछते हैं आपको कहाँ से नंबर मिला, हर कोई ये कहता है मार्केट टाइम टीवी देखा जी। तो सर, आप भी बहुत ज्यादा किसानों के अंदर मशहूर हैं, ऐसे ही आप आवाज उठाते रहे किसानों की, हम तो आपकी यही दुआ करते हैं जी। खुराना जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, लहसुन किसानों के लिए अभी आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए सर, मैंने पहले भी कहा कि बारिशों तक थोड़ा रुक जाओ, 15-20 दिन का और है, बारिशों के बाद सारी पिक्चर सामने आएगी। तब तो इन बिटवीन हो सकता है सरकार खरीदारी का भी दिमाग लगा दे, अगर वो खरीदारी को उतर आते तो भी हमारा भला होना है जी। तो बारिशों तक थोड़ा रुकिए, अपने जो डैमेज माल है वो निकालते चलिए और थोड़ा लागत, जितनी अपनी लागत है उतने तक का माल निकाल दो कि कल को किसी को ये ना लगे कि मेरी लागत भी चली गई। लागत जितना माल निकाल के बाकी थोड़ा माल रोको। जब हमने इसी भाव बेचना है ना तो 2 महीने रुक के बेचेंगे, अभी नहीं बेच रहे, आप थोड़ा रुकिए, हो सकता है कुछ भला हो जाए जी। जितेंद्र जी, क्या इस बीच इंडस्ट्रियल डिमांड भी निकल सकती है? जितेंद्र जी, क्या इस बीच इंडस्ट्रियल डिमांड भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, इंडस्ट्रियल अभी देखिए, अभी डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में सिर्फ 2-3 मशीनें चल रही हैं क्योंकि उन सबका दिमाग अभी प्याज में लगा हुआ है। महीने बाद, 1.5 महीने बाद वहां पे कम से कम 20-30 फैक्ट्रियां प्याज छोड़ के लहसुन पे आ जाएंगी। तो ये सब चीजें चलेंगी अभी आगे, वो भी वेट कर रहे हैं कि ऑल डाउन हो। तो हर कोई इंतजार कर रहा है कैसे भी किसान को कहीं से निकाला जाए, किसान को मारा जाए। आप रुकिए सर, भगवान बहुत बड़ा, सब आएंगी डिमांडें, आप देखते जाइए जी। जी, तो यानी कि जितेंद्र जी की तरफ से तो किसानों को अभी थोड़ा धैर्य रखने की सलाह दी गई है, कुछ माल निकाल भी दें अपना और जो अच्छा माल है उसको भी थोड़ा होल्ड कर लें, बारिश के बाद ठीक तेजी बन, बारिश के बाद कुछ तेजी बनसी नजर आ सकती है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी इस बीच निकल सकती है, ऐसा जितेंद्र जी का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। एक बात और बोलना चाहूंगा, बहुत ही जल्दी लहसुन का तेल निकालने की मशीन के भी बारे में मैं बताऊंगा जी, ये कहाँ से मिल सकती है, कितने की मिल सकती है, इस पे हम कार्य कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी इसका भी मैं आपको अगले वीडियो में तक आपको इन सब चीजों की डिटेल भी दूंगा जी। मार्केट टाइम्स टीवी भी जितेंद्र जी आपके साथ खड़ा हुआ है, लहसुन किसानों के साथ खड़ा हुआ है और आगे भी ये जो आपने बात कही है कि बहुत ही जल्द लहसुन का तेल निकालने मशीन की जानकारी देंगे, वो भी वीडियो हम साझा करेंगे अपने दर्शकों के साथ।
धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था हमारा छोटा सा इंटरव्यू जितेंद्र जी के साथ लहसुन के ऊपर, कि लहसुन का बाजार अभी कैसा चल रहा है और आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि लहसुन का बाजार, लहसुन में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सके। फिलहाल मंडियों का हाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।